हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन का अगला पार्ट रीड करेंगे। इससे पहले वाले लेसन में हमने देखा था कि सीड्स के क्या क्या पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम करते हैं। पार्ट्स ऑफ सीड के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। रिप्रोडक्शन क्या होता है? नए यंग वंस प्रोड्यूस करना। यंग वंस मतलब छोटे बच्चे जो है प्रोड्यूस करना। छोटे बच्चे चाहे वो प्लांट्स के हों चाहे वो एनिमल्स के हों। जैसे सभी एनिमल्स अपने छोटे बच्चे प्रोड्यूस करता है, ठीक ऐसे ही प्लांट्स के भी सीड्स के स्टेम से रूट से हम नए नए छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो ग्रो करवा लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन कई तरीके से होता है। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। सम प्लांट्स सच एज मोसेस, फर्न, मशरूम, फंगी डू नॉट हैव फ्लावर्स। यानी कुछ ऐसे, आपने वैसे तो मोस्टली देखा होगा कि सभी प्लांट्स में जो है फ्लावर्स आते हैं। हम आसपास जितने भी प्लांट्स देखते हैं सब में हमें फ्लावर्स नज़र आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं आते। यानी जिन प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं तो वो फ्लावर आगे चल के फ्रूट बन जाता है और फ्रूट के अंदर ही सीड जो है वो बनते हैं और फिर सीड लेकर के हम नए प्लांट ग्रो करवा लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके फ्लावर्स नहीं आते, यानी वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मोसीज है, फर्न है, मशरूम है, फंगस है, इन सब में फ्लावर्स नहीं आते लेकिन ये एक प्लांट ही है। तो ये फिर कैसे ग्रो करते हैं? दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। यानी कि ये इनके ग्रो करने के लिए इनके पास ही स्पेशल तरह की छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स जो है, दीज स्पोर्स आर स्मॉल सेल प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्लांट। यानी जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो प्लांट ही ये स्पोर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं और फिर इन्हीं स्पोर से आगे चल के नए प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट। प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लांट की रूट्स होती हैं, प्लांट की स्टेम होती है, प्लांट की लीव्स होती हैं। तो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हम किस तरीके से प्लांट ग्रो करवा सकते हैं? सम प्लांट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। यानी कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि वो अपने ही बॉडी पार्ट से नया प्लांट बना देते हैं, जैसे कि सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी किसी प्लांट की रूट जो है वो नए प्लांट ग्रो करवा देती है, किसी की अगर स्टेम हम तोड़ के लगा दें तो फिर उससे भी नया प्लांट बन जाता है, लीव्स से भी नया प्लांट बन जाता है। रेडिश, कैरेट एंड टर्निप ग्रो फ्रॉम द रूट्स ऑफ देयर मदर प्लांट। यानी कि अगर हम इनकी मदर जो प्लांट है उसकी अगर हम रूट निकाल के किसी और जगह लगा दें मिट्टी में तो इनसे हमें नया प्लांट जो है वो मिल जाता है। यानी इनकी रूट्स जो है वो आसानी से ग्रो करके नया प्लांट बना देती है। पहले वाले प्लांट की रूट निकालेंगे और उसको किसी दूसरी जगह मिट्टी में लगाएंगे तो वहाँ से भी हमें नया प्लांट मिल जाएगा। तो ये कौन कौन से प्लांट है? रेडिश, कैरेट एंड टर्निप। सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम, एक प्लांट है ब्रायोफिलम जिसको हम पत्थर चट्टा बोलते हैं, ग्रो इंटू न्यू प्लांट फ्रॉम द एज ऑफ देयर लीव्स। यानी इसकी जो लीव्स होती हैं पत्तों को तोड़कर, पत्तों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे स्पोर्स आ जाते हैं, यानी बर्ड्स आ जाती हैं, बर्ड्स कलियाँ आ जाती हैं। ऐसे पत्तों को तोड़कर अगर हम मिट्टी में लगा देते हैं तो मिट्टी उस पत्ते से भी हमें ब्रायोफिलम का नया प्लांट जो है वो मिल जाता है। द न्यू प्लांट सेपरेटेड फ्रॉम द लीफ फॉल ऑन द ग्राउंड ग्रो ऑन इट्स ओन। और इनका अगर कोई पत्ता टूटकर ज़मीन पर गिर जाता है, जब मिट्टी में गिर जाता है तो उससे नया प्लांट जो है वो अपने आप ग्रो कर जाता है। तो कौन है ये प्लांट? ब्रायोफिलम। यानी ब्रायोफिलम जो है वो पत्ते से भी नया प्लांट बना सकता है। सम प्लांट लाइक सुगर केन एंड रोज ग्रोज फ्रॉम द स्टेम कटिंग ऑफ द मदर प्लांट थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड बडिंग। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं, जैसे रोज़ का प्लांट आपने देखा होगा कि गुलाब के पेड़ की अगर हम टहनी तोड़ करके स्टेम, यानी कि स्टेम तोड़ करके कहीं दूसरी जगह लगाएं तो उसकी स्टेम से भी जो है नया प्लांट मिल जाता है। ऐसे ही शुगर केन का कर सकते हैं हम, उसकी स्टेम काट के अगर अलग जगह लगाते हैं तो उससे नया प्लांट बन जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ प्लांट्स की रूट्स लेकर हम नया प्लांट बना सकते हैं, कुछ प्लांट्स के पत्तों से भी हम नया प्लांट बना सकते हैं और कुछ की स्टेम से भी हम नया प्लांट। यानी हमें हर बार सीड की ज़रूरत नहीं होती है कि सीड ग्रो करवाएंगे तब नया प्लांट बनेगा, हम रूट, स्टेम और लीव्स को लेकर भी नए प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। देर आर मैनी प्लांट्स इन विच द फ्रूट डू नॉट हैव एनी सीड। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स के अंदर सीड नहीं होते, जैसे कि ग्रेप्स है, सम वेराइटीज ऑफ ऑरेंजेज है, कुछ अलग तरीके की ऑरेंजेज भी आती हैं, पपाया है,
इनके फ्रूट्स के अंदर सीड नहीं होते हैं। फिर हम कैसे उगाएंगे इनके नए प्लांट? वी गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम रूट्स एंड लीव्स। तो इनको फिर हम इसी तरीके से ग्रो करवाते हैं, किसी की स्टेम, किसी की रूट और किसी की लीव्स से। पोटैटो आर स्टेम्स ऑफ द पोटैटो प्लांट। जो पोटैटो हम खाते हैं पोटैटो, वो क्या होता है? स्टेम ऑफ द प्लांट होता है, यानी प्लांट का कौन सा हिस्सा होता है? वो स्टेम होता है। तो क्या करते हैं हम? पोटैटो आर स्टेम्स ऑफ द पोटैटो प्लांट। ईच पोटैटो इज कट इंटू 3-4 पार्ट शोन इन द सोइल। आपने कभी कभी देखा होगा कि घर में रखे हुए जो पोटैटो होते हैं उनके ऊपर छोटी छोटी लीव्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे पोटैटोज को अगर हम टुकड़ों में काट करके 3-4 टुकड़े कर लें उसके, और फिर उसको हम सोइल में डाल दें, मिट्टी में डाल दें, दे ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स। और धीरे धीरे करके उनसे हमें नया प्लांट मिल जाएगा, यानी वो एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएंगे। जिंजर, जिंजर क्या होती है? अदरक एंड टर्मरिक यानी कि हल्दी आर ऑल्सो शोन इन द सेम वे। यानी अदरक और हल्दी को भी हम इसी तरीके से ग्रो करवा सकते हैं जैसे हमने पोटैटो को ग्रो करवाया। दिस स्टेम ऑफ द मिंट, मिंट तो आपने सभी ने देखा होगा, मिंट होता है पुदीना। कि पुदीना जो होता है अगर उसकी हमें एक टहनी तोड़ करके, एक स्टेम तोड़ के, एक तोड़ के कहीं लगा दें तो वो फिर धीरे धीरे करके बहुत दूर तक फैल जाता है, यानी पूरी जगह को जो है कवर कर लेता है अपने आप ही। प्लांट क्रीप ओवर द सोल, क्रीप होता है रेंगना, यानी एक तरीके से फैल जाता है पूरी जगह पे। इट्स रूट्स कम आउट एट एवरी बड, यानी कि हर एक टहनी से, हर एक पार्ट से इसकी जो है रूट्स बननी शुरू हो जाती हैं। दीज रूट्स आर शोन टू गेट न्यू प्लांट। अगर इन रूट्स को निकाल करके हम नई जगह लगाते हैं तो फिर हमें नया प्लांट मिल जाता है। कैरेट एंड रेडिश ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द रूट्स ऑफ द मदर प्लांट। ठीक है, ऐसे जैसा कि अभी हमने पढ़ा, कैरेट और रेडिश को भी हम इनकी रूट्स को निकाल करके दूसरी जगह लगा करके नया प्लांट्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए हर बार सीड की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट, स्टेम और लीव्स ले करके भी हम नए प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। आगे है ब्रायोफिलम के बारे में। हमने पढ़ लिया कि ब्रायोफिलम की जो लीव्स हैं अगर वो ग्राउंड पर गिर जाती हैं तो उससे हमें एक नया प्लांट मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल का मतलब स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स, यानी कि प्लांट्स की सीड जो है वो गिर जाती हैं इधर उधर, और उन वो सीड्स जो है वो अलग अलग जगह पर ग्रो करती हैं। तो ये कैसे होता है? ये एक प्रोसेस होता है सीड डिस्पर्सल, यानी कि प्लांट कहीं और है लेकिन उसके सीड जो है वो कहीं और ग्रो कर रहे हैं। If many seeds were planted to close together, they would be struggle for the nutrients, water and sunlight. अगर हम सारे seeds को एक प्लांट से, जितने भी सीड बनते हैं उनको सबको एक ही जगह ग्रो करवा देंगे, क्लोज टुगेदर यानी पास पास ग्रो करवा देंगे, तो उनके बीच में स्ट्रगल होना शुरू हो जाएगा, यानी वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन शुरू करेंगे। किसके लिए? सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, और जो भी खाद वगैरह आप दोगे, न्यूट्रिशन जो मिलेगी उनको, उन सब के लिए। यानी जो न्यूट्रिशन सिर्फ एक दो प्लांट के लिए चाहिए थी, अब वो सारे उसी न्यूट्रिशन को यूज करेंगे। इन द प्रोसेस मैनी ऑफ देम वुड इन डाई इन नेचर। तो ऐसा इस फिर क्या होगा कि सभी प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी को बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी और उनमें से कुछ प्लांट जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। देयर सीड टू एंश्योर दैट दे डू नॉट ग्रो टू क्लोज वन अनदर। और इन सब से बचने के लिए हम क्या देखते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि सारे सीड्स जो है वो एक जगह ग्रो ना करें। द प्रोसेस बाई विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मदर प्लांट, ये मान लो प्लांट है तो यहाँ पर जो भी सीड हैं वो अलग अलग तरीके से इस मदर प्लांट से कहीं दूर चले जाएँ, बिखर जाएँ इधर उधर, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल अलग अलग तरीके से होता है। आपने देखा कुछ सीड्स हल्के होते हैं, जो कभी तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये सीड हवा के साथ उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। कई बार जो पक्षी पशु जो होते हैं वो पेड़ के आसपास बैठते हैं तो सीड उनकी बॉडी के साथ चिपक करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से होता है सीड डिस्पर्सल। अगला है नेचुरल प्रोपेगेशन, तो यही पढ़ेंगे हम इसमें। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी, दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिस्पर्सल। इन मोस्ट प्लांट द फ्रूट राइपन्स ड्रॉप ऑन द ग्राउंड ड्यू टू द ग्रेविटी। यानी कि किसी भी प्लांट के फ्रूट जो है जब पक जाते हैं तो वो अपने आप ही
ग्राउंड पर आकर के गिर जाते हैं। ग्रेविटी किसे कहेंगे कि अर्थ के पास एक ऐसी पावर है, ऐसी फोर्स होती है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जब फ्रूट पकते हैं तो वो नीचे आकर के ज़मीन पर गिर जाते हैं, जैसे मैंगोज हैं, एप्पल्स हैं, तो ये ग्राउंड पर आकर के गिर जाते हैं और फिर इधर उधर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगला है विंड। जैसा कि मैंने अभी बताया, विंड यानी कि जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो सीड ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी लाइट। कुछ प्लांट्स के सीड जो होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं, लाइट मतलब हल्के होते हैं, एंड ईजली कैरिड अवे। कैरिड अवे मतलब दूर ले जाया जाता है बाय द विंड, हवा के द्वारा। और जब हवाएँ चलती हैं तो वो हवा के साथ उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। सम सीड्स मे हैव देयर थ्रेड अटैच। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके जो थ्रेड्स अटैच्ड होते हैं, यानी उनके उनकी जो बनावट होती है वो ऐसी होती है, उसमें से धागे धागे लगे होते हैं, धागे जैसी हेयर हेयर से होते हैं। विच फॉर्म ए शॉर्ट ऑफ पैराशूट हेल्पिंग द सीड टू ब्लोन अवे बाय द विंड। और वो एक पैराशूट का काम करते हैं जिससे वो आसानी से हवा के साथ उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। अगला है वाटर। सर्टेन प्लांट्स दैट ग्रो आइदर इन द वाटर और अलॉन्ग द कोस्ट। कोस्ट होता है किनारा। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो पानी में उगते हैं या फिर पानी वाली जगह यानी किसी नदी के किनारे, किसी तालाब के किनारे उगते हैं। यूज वाटर टू डिस्पर्स देयर सीड फार एंड वाइड। तो ऐसे प्लांट्स के सीड जो हैं वो पानी से डिस्पर्स किए जाते हैं, यानी पानी के साथ बह करके वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। वाटर लिली फ्रूट्स फ्लोट ऑन द वाटर फॉर ए डिस्टेंस until they sink to touch the root and grow a new plant। जो वाटर लिली का जो प्लांट होता है वो पानी के आसपास उगता है, तो उसके जो फ्रूट होते हैं वो पानी पर फ्लोट करते रहते हैं। और कब तक फ्लोट करते रहते हैं? दूर तक जाके, जब तक कि वो नीचे डूब ना जाए और फिर उनसे एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये था सीड डिस्पर्सल। अगला टॉपिक है प्लांट्स दैट हैव बीन ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हमारे यहाँ नहीं उगते हैं, वो हमारे देश में कहीं बाहर के कंट्रीज से आए हैं, दूसरे फॉरेन कंट्रीज से आए हैं। तो कौन कौन से हैं? देर आर नंबर ऑफ प्लांट्स विच वर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो दूसरे कंट्रीज से यहाँ पर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल चिली प्लांट, यानी मिर्च का जो प्लांट है वो हमारे देश का नहीं है। इट कम फ्रॉम साउथ अमेरिका, यानी ये साउथ अमेरिका से आया हुआ पौधा है। पोटैटो, टोबैको, गुआवा एंड लेमन हैव फ्रॉम पुर्तगाल। ये सब पोटैटो, टोबैको, गुआवा, लेमन, ये पुर्तगाल से आए हुए पेड़ हैं। टी एंड एप्पल हैव कम फ्रॉम चाइना। टी यानी चाय के जो पेड़ हैं वो, और एप्पल जो है वो चाइना का फ्रूट है। एंड ग्रेप्स हैव फ्रॉम तुर्की, और ग्रेप्स जो हैं वो तुर्की से आए हुए हैं, हमारे यहाँ नहीं उगते थे पहले। दीज प्लांट्स वर ब्रॉट टू अवर कंट्री मैनी ईयर्स बैक। काफ़ी साल पहले ये प्लांट जो है हमारे देश में लाए गए थे। दे हैव नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ अवर कल्टिवेटेड प्लांट, और आज ये हमारी कल्टिवेटेड यानी हमारी खेती बाड़ी का जो है एक अच्छा बड़ा पार्ट है, यानी आज हम इनको खूब उगाते हैं। टूडे इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टी। आज के टाइम में इंडिया जो है, भारत जो है, वो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर देश है, यानी सबसे बड़ा, जहाँ सबसे ज़्यादा चाय पैदा करते हैं हम, और एक्सपोर्टर मतलब बाहर के देशों में भेजते हैं, बाहर भेजते हैं फिर उसको। चिलीज ग्राउन ऑल ओवर द इंडिया। चिलीज जो है वो भी पूरे भारत में उगाई जाती हैं, मेनली इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, जहाँ सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में। टी इज़ ग्रोन इन आसाम, चाय आसाम में उगाई जाती है। दार्जिलिंग, कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश एंड नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया। टी प्लांट्स रिक्वायर प्लेंटी ऑफ सनशाइन। टी प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में सनशाइन की ज़रूरत होती है, यानी धूप की ज़रूरत होती है, एंड रेनफॉल और बारिश की ज़रूरत होती है। स्टैंडिंग वाटर हार्म्स द क्रॉप। अगर खेत में किसी वजह से पानी जमा हो जाए तो ये जो क्रॉप फसल जो होती है चाय की, उसके लिए नुकसानदायक होता है। इसलिए चाय की खेती जो है वो स्लोप्स पर की जाती है, ढलानों पर यानी पहाड़ी इलाकों में की जाती है, कि वहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, फिसल के नीचे आ जाता है। इट इज़ द बेस्ट ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ये सबसे अच्छा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, ऐसे एनवायरनमेंट में ये प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। तो ये था हमारा लेसन।